गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर चैप्टर 16 ले रहे हैं जो कि फिजिक्स का हमारा चैप्टर है, चैप्टर लाइट। तो लाइट चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हैं लाइट के बारे में, और लाइट को हम हिंदी में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलते हैं, हम लाइट का हिंदी मतलब होता है प्रकाश, मतलब उजाला। जो सन से आता है वो सनलाइट होती है, ट्यूबलाइट से आती है वो ट्यूबलाइट होती है, बल्ब से आती है वो बल्ब लाइट होती है, ठीक है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है, और इस एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हमारा सन होता है, ठीक है। सन क्या है? लाइट का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है, नेचुरल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। तो सन से आने वाली जो रे होती है उसको हम वाइट लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वाइट लाइट बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर पूरे 7 कलर का मिक्सचर होता है, और जब वो उसको मिक्स कर देते हैं तो वो एक वाइट लाइट हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो लाइट से रिलेटेड हम बहुत सारे यहाँ पर फिनोमेना पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फिनोमेना हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब रिफ्लेक्शन का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से सुने। यहाँ पर एक ट्यूबलाइट जल रही है, यहाँ पर एक ट्यूबलाइट जल रही है इस दीवार पर, इस दीवार पर कोई ट्यूबलाइट नहीं जल रही है, ठीक है। तो इस दीवार पर ट्यूबलाइट जलने से मुझे इस दीवार पर दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ से लाइट वहाँ पर जा रही है, तो वहाँ पर क्या है? उजाला है, तो वहाँ पर हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद हमें उस दीवार पर कुछ लिखा हुआ है वो भी हमें दिखाई दे रहा है, उस दीवार पर कुछ लिखा हुआ है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। तो क्यों दिखाई दे रहा है? तो देखो ध्यान से, क्या होता है कि वहाँ से जो लाइट आ रही है वो उस दीवार पे तो डायरेक्ट गिर रही है, तो हमें उसका सब कुछ दिखाई दे रहा, लेकिन वो लाइट वहाँ से गिरकर वापस इस दीवार पर भी आ रही है, वहाँ से गिरकर वापस उस दीवार पर भी जा रही है, वहाँ से गिरकर वापस इधर भी आ रही है। तो वहाँ लगी हुई लाइट से हम यहाँ देख पा रहे हैं, तो वो लाइट सीधे यहाँ भी आ रही है वो माना मैंने, लेकिन वो लाइट यहाँ से जाकर टकराकर और जगह भी जा रही है। दैट इज रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है कि कोई भी एक लाइट सोर्स है, क्या है? कोई भी एक लाइट सोर्स है जिससे लाइट आती है और किसी ऑब्स्टेकल से टकराकर, किसी ऑब्स्टेकल से टकराकर वापस लाइट का बाउंस बैक हो जाना, क्या हो जाना? वापस लाइट का उसी पाथ में या उसी डायरेक्शन में वापस से मुड़ जाना, क्या बोलता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है, लाइट का रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो देखो क्या होती है फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारा फर्स्ट टॉपिक वैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लेकिन उससे पहले अपन रिफ्लेक्शन फिनोमिना को जान लेते हैं। तो देखें ध्यान से, जब भी कोई एक स्मूथ सरफेस होता है, कोई स्मूथ सरफेस होता है और उस पर कोई लाइट स्ट्राइक करती है, कोई भी ट्यूब लाइट, टॉर्च लाइट, बल्ब लाइट, कुछ भी हो, स्ट्राइक करती है और वापस से वो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाना, सेंड बैक हो जाना, क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन? क्या होता है? किसी लाइट सोर्स से लाइट का आना और किसी चीज़ से टकराकर वापस चला जाना, क्या होता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है, लाइट का रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब ध्यान से देखें, हम फिर से वापस इसी चीज़ को देखने वाले हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन जो है उसके क्या लॉज हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे हम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखें ध्यान से, फिर से कोई स्मूथ सरफेस है जिस पर कई लाइट सोर्स से लाइट इंसिडेंट होती है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ध्यान से दोबारा बना लें, नीचे पॉलिश्ड है और स्मूथ सरफेस है। तो क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर किसी लाइट सोर्स से कोई लाइट आ रही है, तो जब कोई लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर आकर स्ट्राइक करती है तो हम उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। क्या बोलते हैं उसको? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम
जिस पॉइंट पर स्मूथ सरफेस के जिस पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर, इस पॉइंट पर, इस स्मूथ सरफेस के परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पर इसके परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, जब ये नॉर्मल, जब ये हम बना रहे हैं तो हम एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे जो इस स्मूथ सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और उसको आंसर डिनोट करते हैं। इस नॉर्मल के साथ यहाँ पर इंसिडेंट रे एक एंगल बनाती है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो ये जो रिफ्लेक्शन की फिनोमिना होगी, जब इस इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करेगी तो क्या करेगी, ये वापस से उसी मीडियम में चली जाएगी, वापस से बाउंस बैक हो जाएगी, और उसके बाद में जो बाउंस बैक होने के बाद जो रे होती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो किसी सरफेस पर लाइट का टकरा कर वापस उसी मीडियम में चला जाना, वापस से बाउंस बैक हो जाना, दैट इज़ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है, वो ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये है कि नॉर्मल के साथ हमेशा एंगल नॉर्मल के साथ बनाएं, कभी भी इंसिडेंट रे का एंगल इस स्मूथ सरफेस के साथ ये वाला एंगल या ये वाला एंगल नहीं लें। क्यों? क्योंकि हमें रे और नॉर्मल के साथ लेना है, रे और नॉर्मल के बीच का एंगल लेना है। तो हमारा फर्स्ट रूल ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या बोलता है रिफ्लेक्शन का, कि ये बॉड एक प्लेन है, एक बॉड क्या है, एक प्लेन है, और एक प्लेन हमेशा 2D होता है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो देखो तीनों बॉर्ड पर ही है, बॉर्ड पर ही है, मतलब ये भी इसी पे बना हुआ है, ये भी इसी पे बना हुआ है, ये भी इसी पे बना हुआ है, तो सब इसी पे बनते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई रे ऐसी नहीं है कि बाहर से इधर आ रही हो या इधर से कुछ बाहर आ रहा हो, मतलब 3D में कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है 2D में है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंसिडेंट रे कॉमन नॉर्मल कहाँ पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। क्या करते हैं कि तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे इस तरीके से रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। इसके बाद हम फिर से रिफ्लेक्शन को ही देखने वाले हैं। रिफ्लेक्शन क्या है कि अलग अलग सरफेस से होने के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन अलग अलग टाइप का हो सकता है, इसलिए सरफेस की स्मूथनेस के बेसिस पे रिफ्लेक्शन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो देखो कौन कौन से रिफ्लेक्शन होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन।
तो देखो क्या होता है कि जब जब कोई स्मूथ सरफेस होती है और स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस होती है और उस पर कोई पैरेलल बीम लाइट का इंसिडेंट होता है, मतलब लाइट की बहुत सारी पैरेलल रेस जब इंसिडेंट होती है तो वहाँ पर वो सबके नॉर्मल बनते हैं और रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये पैरेलल ही रहती है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब जब कोई पैरेलल बीम लाइट का आता है और स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद फिर से पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब क्या हमने कोई रफ़ सरफेस ले लिया, रफ़ पॉलिश्ड सरफेस ले लिया, पॉलिश्ड क्यों लेते हैं तो हम आगे पढ़ेंगे कि अगर पॉलिश नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, वो भी हम पढ़ते हैं। तो जब किसी इस रफ़ सरफेस पर लाइट की पैरेलल बीम इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब हम इसके बाद में रिफ्लेक्शन हो चुका है, हमारा ये पार्ट फर्स्ट हो गया, रिफ्लेक्शन हो चुका है, रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के बाद में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, मतलब सरफेस के बेसिस पर रिफ्लेक्शन के टाइप पढ़ लिए, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट में इतना ही रखते हैं, आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।